हेलो एवरीवन, दिस इज सोहन कुमार। वेलकम बैक इन द वीडियो लेक्चर ऑफ टेंसेस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी टेंसेस की, उसके टाइप्स की। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये भी बता चुका कि टेंसेस के 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस के आगे 4 टाइप हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक हिंदी के द्वारा, हिंदी के सेंटेंस को देखकर, और दूसरा इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर आप बता सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब देखो, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में पहचान है ता है, ती है, ये इसकी पहचान है हिंदी में, ता है, ती है, ते है। और ऐसे बहुत सारे वाक्य हम यूज करते हैं हिंदी में, जैसे वह खेलता है, वह संगीत सुनता है, वह मंदिर जाती है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के जिसमें वर्ब के अंत में ता है, ती है आता है। जैसे मैं खेलता हूं, खेलना यहां पर वर्ब है, खेलता हूं, है ना। वह संगीत सुनता है, सुनता है, ये वर्ब है, तो हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूं वह संगीत सुनता है, वह संगीत सुनता है, इस वाक्य में ता है, ता है, तो ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ता है। अब इसकी पहचान हिंदी में ती है, वो भी हो सकती है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कहता कि वह संगीत सुनती है, वह संगीत सुनती है, ती है, इसमें आगे ती है। अब दोनों में फर्क क्या है? बस फर्क ये है कि अगर हम बात करते हैं लड़के की या पुरुष की तो उसमें ता है, ये आएगा। और अगर हम बात करते हैं लड़के की या किसी औरत की तो उसमें आएगा ती है। और जहां तक बात है ते है कि इसका मैं सबसे पहले एग्जांपल लिखता हूं। मैं कहता हूं कि वे संगीत सुनते हैं, सुनते हैं, ते हैं। अब ये क्या है? अगर हम बात करते हैं प्लूरल की, बहुवचन की, ज्यादा हो, एक से ज्यादा, जैसे वे, यहां पर वे जब मैं यूज करता हूं इसका मतलब वो एक से ज्यादा है, ठीक है ना, वो एक से ज्यादा लड़के हो सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को देखकर आप कह सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। तो ये तो पहचान है हिंदी में। अब हम बात करते हैं कि अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? उसकी पहचान हम उसकी स्ट्रक्चर से करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसे? जैसे मैं बात करता हूं, उसकी पहचान हमें मिलेगी हिंदी में पहले सब्जेक्ट, देन हां, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस और ऑब्जेक्ट, ये पहचान मिलेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में। और ये है फर्स्ट टाइप एफर्मेटिव, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव है ये, ये जो मैंने अभी लिखा है ये है वीई affirmative।
तो ये है एफर्मेटिव सेंटेंस में पहचान। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी आगे चार टाइप है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो एफर्मेटिव में पहचान, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस यस ऑब्जेक्ट, ये हमें पहचान मिलेगी। अब जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करता हूँ, ही वह संगीत सुनता है, ही लिसंस द म्यूजिक, ही लिसंस द म्यूजिक, वह संगीत सुनता है। तो इस सेंटेंस को हम देखकर कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। यहां पर जो मैंने सेंटेंस लिखा है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लिसन, लिसन, और इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो एस। दूसरी सिचुएशन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस भी लग सकता है। ईएस कैसे लगेगा देखते हैं। जैसे मैं अभी यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, वहां पर हम ईएस का यूज करेंगे। जैसे सी गोज टू टेम्पल, टेम्पल मंदिर, वह मंदिर जाती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो और मैंने उसमें ऐड कर दिया ईएस, गोज, यहां पर क्या लगा ईएस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगता है या ईएस लगता है। यहां तक दो सिचुएशन या दो कंडीशन हो चुकी है। पहली कंडीशन ये जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा, दूसरी कंडीशन ये जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा, और तीसरी सिचुएशन और होती है जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ना तो एस लगता ना ईएस लगता। वो क्या है, जैसे मैं कहता हूं आई लिसन द म्यूजिक, मैं संगीत सुनता हूं, यहां पर यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिसन, यहां पर एस नहीं लगा और ना लगेगा, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों नहीं लगा इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर मैं कहता हूं कि आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूं, यहां पर गो के साथ ई एस लगा, यहां पर नहीं लगेगा, और ये सेंटेंस सही है। ईएस लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा। तो ये है तीसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट की जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ना तो एस लगता और ना ईएस लगता। इन रूल्स को समझने से पहले कि कहां पर एस लगेगा, कहां पर ईएस लगेगा, और कहां पर ना तो एस लगेगा और ना ही ईएस लगेगा, इस रूल को समझने के लिए उससे पहले आपको एक टेबल है वो पता होनी चाहिए। और अगर वो टेबल आपको आएगी, वो पर्सनली टेबल है, तभी आप ये रूल समझ सकते हो कि कहाँ पर एस लगेगा और कहाँ पर ई एस लगेगा। और ये इम्पोर्टेंट रूल भी है, यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स। इस रूल को देखने से पहले वो टेबल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जितने भी हम टेंसेस पढ़ेंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या पास्ट के, सभी में वो टेबल आपको काम आएगा। तो इसलिए भी उस टेबल को जानना जरूरी है। और वो टेबल क्या है देखते हैं। वो उस टेबल के बारे में मैंने आपको बात की है, और वो टेबल है पर्सन की। देखो यहां पर मैं लिखता हूं पर्सन, पर्सन फर्स्ट है
सब्जेक्टिव केस, सेकंड है पजेसिव केस, पजेसिव केस, और थर्ड है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। पर्सन की बात करें, तीन पर्सन है हमारे। फर्स्ट पर्सन में आते हैं दो वर्ड आई और वी। सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन में आता है एक वर्ड यू। और मैं बात करूं थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में चार वर्ड आते हैं ही, सी, इट और दे। ये चार वर्ड आते हैं थर्ड पर्सन में। अब फर्स्ट पर्सन में मैंने बताया आई और वी, और आई का जो पजेसिव केस है वो है माई। आई से पजेसिव केस में बन जाता है माई, और ऑब्जेक्टिव में आई से बन जाता है मी। वी का पजेसिव केस है अवर, और वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस। इसी तरीके से यू का पजेसिव केस यूअर, ऑब्जेक्टिव यू। अब देखो जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यूअर और यू, यहां पर लिख देता हूं मैं इसकी शीट में यूअर और यू। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम है, फर्क क्या है, मीनिंग में फर्क है, अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। इसी तरीके से ही का जो पजेसिव केस है वो है हिज, ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी का हर, हर। यहां पर देखो जो सी का पजेसिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है वो सेम है, हर, हर। इट का इट्स, इट। दे का देयर और देन। और इसी तरीके से इट का सब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस ये सेम है। ये टेबल बहुत ही जरूरी है अगर आपको टेंस सीखने हैं। टेंस क्या, ग्रामर के हर टॉपिक में ये टेबल अगर आपको नहीं आएगी, चाहे वो एक्टिव पैसिव है, चाहे वो नरेशन है, क्लोजेज है, कहीं पर भी, हर जगह आपको कंफ्यूजन पैदा होगी। अब हम बात करते हैं मीनिंग की। जो आई है उसका मीनिंग आपको पता है, वो होता है मैं, मैं। और माई का मीनिंग होता है मेरा, मेरा या मेरी। और मी का मीनिंग होता है मुझे। और देखो मे का मीनिंग कई बार मेरे पास भी होता है, जैसे आई हैव ए हाउस, मेरे पास एक घर है, मेरे, दो मीनिंग है। आज तक शायद आपने ये तो पढ़ा होगा कि आई का मीनिंग मैं होता है। हाँ बिल्कुल सही होता है, जैसे मैं कहता हूँ आई एम ए बॉय या आई एम ए स्टूडेंट, कोई भी कहते हैं, ठीक है ना, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, वहां पर मीनिंग है मैं। आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। लेकिन दूसरा इसका मीनिंग मेरे भी होता है, जैसे आई हैव ए हाउस, मेरे पास एक घर है, ठीक है ना। मैं और मेरे इनमें क्या फर्क है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा ये आपको समझाने के लिए। तो वी का मीनिंग होता है हम, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर बॉयज, हम विद्यार्थी हैं, ठीक है ना।
हम लड़के हैं, वी का मीनिंग हम, और वी का मीनिंग हमारे भी होते हैं, हमारे, जैसे वी हैव ए हाउस, हमारे पास एक घर है, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है अभी मैंने बताया कि इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। इसी तरीके से आवर का मीनिंग होता है हमारा, हमारा और हमारी, अस का मीनिंग होता है हमें, हमें। जैसे ये तो आपको पता है माय नेम इज रोहन, मेरा नाम रोहन है। मेरी, दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है। मेरा और मेरी में क्या फर्क है, जब हम बात करते हैं मेरा की सेंस की तो मैस्कुलिन में उसको हम काउंट करते हैं, पुल्लिंग में, कि दिस इज माय हाउस, यह मेरा घर है। घर को हम किस में काउंट करते हैं, पुल्लिंग में, और मेरी स्त्रीलिंग में। दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है, किताब को हम स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं, तो वहां पर उसकी हिंदी अनुवाद हो जाती है मेरी। मी मुझे, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दी, मुझे। इसी तरीके से हमारा और हमारी, इसमें भी यही फर्क है, हमारा मैस्कुलिन के लिए, पुल्लिंग के लिए, और हमारी स्त्रीलिंग की, स्त्रीलिंग के लिए। जैसे दिस इज आवर पेन, ये हमारा पेन है, या दिस इज आवर गार्डन, ये हमारा बगीचा है, मैस्कुलिन। अगर मैं कहता हूं कि दिस इज माई टेबल, यह मेरी मेज है, मेरी। टेबल को हमने किस में काउंट किया, स्त्रीलिंग में, और गार्डन को पुल्लिंग में। वही बात, अस हमें, ही गेव अस सम स्वीट्स, उसने हमें कुछ मिठाइयां दी, अस का मीनिंग हमें। इसी तरीके से यू का मीनिंग होता है तुम, और दूसरा मीनिंग होता है तुम्हारे। मैं कहता हूं कि यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, तुम एक बुद्धिमान लड़के हो। यू हैव ए बाइक, तुम्हारे पास एक बाइक है, तुम्हारे। यू आर तुम्हारा, तुम्हारा और तुम्हारी दो मीनिंग है। Your house is beautiful. Your house is beautiful. तुम्हारा घर सुंदर है, पुल्लिंग के लिए। Your car is amazing. तुम्हारी कार बेहतरीन है, कार को हमने काउंट किया है स्त्रीलिंग में। You, तुम्हें, तुम्हें। देखो you का सब्जेक्ट भी केस में मीनिंग तुम या तुम्हारे, और यहाँ पर तुम्हें। I gave you a book, मैंने तुम्हें एक किताब दी है, तुम्हें। He, वह, और he को हम यूज करते हैं किसी लड़के के लिए, लड़का या पुरुष के लिए। वह, he is a boy, वह एक लड़का है। और he का दूसरा मीनिंग होता है उसके, He has car, उसके पास एक कार है, उसके, ये भी इसका मीनिंग होता है। उसके बाद he, his, his का पजेसिव केस, उसका या उसकी, वही बात है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। This is his house, यह उसका घर है, घर को हम पुल्लिंग में। This is his house, यह उसका घर है, पुल्लिंग। और this is his car, यह उसकी कार है, उसकी। him का मीनिंग उसे, उसे। I gave him some money, मैंने उसे कुछ पैसे दिए, him, उसे। इसी तरीके से she का मीनिंग होता है वह या उसके। अब दोनों का मीनिंग सेम है, ही का भी वही है और सी का भी वही है। फर्क क्या है,
फर्क ये है कि सी को हम यूज करते हैं लड़की के लिए या औरत के लिए। मैं कहता हूं सी हैज ए बुक, तो यहां पर इसका मीनिंग हुआ कि उसके पास एक किताब है और वो लड़की है। सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। इस तरीके से हर, हर का मीनिंग भी वही है उसका या उसकी, लेकिन फर्क वही है वो लड़की के लिए औरत के लिए। मैं कहता हूं कि दिस इज हर हाउस, यह उसका घर है। हर इसका मतलब या तो लड़की का है या औरत का है। दिस इज हर कार, यह उसकी कार है। हर उसे, यहां पर भी मेरी सेम है। जब मैं कहता हूं कि आई गेव हर सम मनी, मैंने उसे कुछ पैसे दिए, इसका मतलब ये है कि मैंने किसी लड़की को दिए पैसे या किसी औरत को दिए। अब है इट, इट का मीनिंग होता है यह है, यह है, और इसके इट को हम वस्तु के लिए यूज करते हैं, वस्तु के लिए। जैसे मैं कहता हूं कि आई हैव ए चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। इट हैज अ ब्रोकन लेग, इसकी टूटी हुई टांग है। इसकी तो इसका या इसकी वो होगा पजेसिव केस में। मैं यहां पर एग्जांपल चेंज करता हूं, यह है, मैं कहता हूं कि आई हैव ए चेयर, मेरे पास एक चेयर है, मेरे पास एक कुर्सी है। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यह प्लास्टिक की बनी हुई है। इसके ये अलग सेंस में यूज होगा। तो मैंने बात की इट, इट को हम यूज करते हैं वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, लेकिन इट को हम एक तरीके से लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, सजीव चीजों के लिए, और ये हम बच्चे के लिए यूज करते हैं इट। शायद इस बात का आपको पता नहीं हो, लेकिन ये बेहद दिलचस्प बात है कि इट को हम बेबी बॉय और बेबी गर्ल उसके लिए यूज करते हैं, खासतौर पे उस वक्त जब हमें ये नहीं पता कि वो मेल बेबी है और फीमेल बेबी है। बेबी मीन्स बच्चा है, वो 3-4 साल का। कई बार देखने से हमें पता नहीं लगता कि वो लड़का है या लड़की है, मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, तो उस वक्त हम यूज करते हैं इट। तो मैं कहता हूं अगर बच्चे के लिए यूज करता हूं, इट इज प्लेइंग इन द स्ट्रीट, यह गली में खेल रहा है। इसका मतलब उस वक्त मैं बच्चे के लिए यूज कर रहा हूं इट। इसके मैं कहता हूं कि इट हैज अ टॉय, इसके पास एक खिलौना है। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं बच्चे की, बच्चे के पास क्या है, खिलौना। इट हैज अ टॉय, इसके पास एक खिलौना है। इट्स का मीनिंग होता है इसका या इसकी। अभी मैंने बात की है इट्स की, जैसे मैं कहता हूं आई हैव ए चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। इट्स लेग इज ब्रोकन, इसकी जो लेग है, टांग है, वो टूटी हुई है। इसकी ये हो गए इसकी, इट्स लेग इज ब्रोकन। इसका मैं कहता हूं कि आई हैव ए चेयर, इट्स कलर इज ब्लू, इसका रंग कैसा है, नीला। इट इसे मैं कहता हूं कि आई हैव अ ब्यूटीफुल चेयर, मेरे पास एक सुंदर कुर्सी है। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूं, इसे उस चेयर को। दे का मीन होता है देयर, दे का मीन होता है वे, वे, और दूसरा मीनिंग होता है इसका उनके, उनके, यह है देगा मैंने, वे, दे आर बॉयज, वे लड़के हैं। दे हैव सम पेंस, उनके पास कुछ पेन है, उनके पास।
देर का ही होता है उनका और उनकी। दिस इज देयर गार्डन, यह उनका बगीचा है। दिस इज देयर कार, यह उनकी कार है, गाड़ी है। देम, उन्हें। आई डोंट लाइक देम, मैं उन्हें पसंद नहीं करता, है ना। या आई गेव देम सम मनी, मैंने उनको कुछ पैसे दिए। तो ये थी पूरी की पूरी टेबल। अब दूसरी बात, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है क्या? सब्जेक्टिव केस वो है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज हो सकती है। दूसरी अगर लैंग्वेज में मैं कहूँ तो सब्जेक्टिव केस वो है जिसको हम सेंटेंस की शुरुआत में, बिगिनिंग में यूज करते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस वो है जो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करे, या सिंपल लैंग्वेज में वो सारे के सारे वर्ड्स जो हमें सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे मैक्सिमम। पजेसिव केस वो है जो हमें सेंटेंस के बीच में मिलेंगे, जैसे दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। लेकिन जरूरी नहीं है बीच में मिलेंगे, शुरुआत में मिलते हैं। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है। जैसे मैं कहता हूँ कि माई नेम इज रमन, मेरा नाम रमन है, शुरुआत में भी आ सकते हैं। लेकिन बात क्या है, पजेसिव केस पजेशन को दिखाते हैं, अधिकार को दिखाते हैं, अधिकार को, कब्जे को, कब्जा, है ना, या हक या स्वामित्व, किसी चीज के ऊपर हमारा स्वामित्व है, हम उसके स्वामी हैं, मालिक हैं। जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, इस पेन के ऊपर मेरा अधिकार है। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, इस घर के ऊपर मेरा अधिकार है, मेरा कब्जा है, मेरा हक है। तो ये जो पजेसिव केस में वर्ड हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे के सारे पजेसिव को दिखाते हैं, अधिकार को दिखाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फॉर द डे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसको, प्रेजेंट डेफिनेट को। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।